रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज की हमारी इस क्लास में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ कर रहे हैं। मेरे पास क्या है कि एक सिंपल सा मॉडल, हालांकि अच्छा फॉर्म होना चाहिए था लेकिन टाइम की कमी के कारण मैंने सिंपल सा फॉर्म बनाया है। अब ये सिंपल से फॉर्म में हमें क्या करना है, किसको डेटा को यहाँ भेजना है डेट में, जैसे कि यहाँ ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट होना चाहिए, ऑटोमेटिक डेट आना चाहिए, उसकी टाइम आनी चाहिए, देन यहाँ पे नेम आना चाहिए, सिटी एंड अमाउंट। तो जब मैं यहाँ एक बटन बनाऊंगा, उस बटन में जब क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही इस डेटा शीट के अंदर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट होता रहे। तो चलिए इसके लिए हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ हम इंसर्ट में आते हैं मॉड्यूल्स, और यहाँ हम सब्जेक्ट देते हैं, हरा ब्रैकेट ओपन क्लोज, या अभी यहाँ पे देता हूँ सेंड के नाम से। तो सबसे पहले हमें यहाँ फॉर्म वन पे क्या करना है कि डेटा सेंड पे सबसे पहले इसका सीरियल नंबर जनरेट करना है। तो सीरियल नंबर कैसे पता चलेगा, तो एक्सेल में अगर सीरियल नंबर पता करना आपको तो आप क्या करेंगे, संग्राम जी मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है। यहाँ पे होगा कि अगर मैं मैक्स फॉर्मा लगाऊं और इसकी मैक्सिमम नंबर निकालूं और इसमें मैं प्लस वन करूं तो हमें नेक्स्ट सीरियल नंबर पता चल जाएगा। तो ये चीजें हम यहाँ कैसे करें, तो यहाँ पे हम आईडी इक्वल टू मैक्स फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखिए एक्सेल के कुछ फॉर्मूले वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ फॉर्मूले वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं उन फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, उसको लगाएंगे एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन से। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, जो फंक्शन वीवीए को सपोर्ट करेगा उसको जैसे आप टाइप करेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। देखिए मैक्स में ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब कि वीवीए का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको लिखेंगे हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और इसमें हम देंगे शीट्स, और शीट्स में हम देंगे डेटा, और देंगे रेंज इन्वर्टर कोमा में ए वाई। तो इसमें से इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर निकाल देगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें आईडी लेना है, तो यहां पे कोड होगा रेंज A65000, सबसे लास्ट में पहुंचना है, और लास्ट क्लास में बताया था सबसे लास्ट में पहुंचने के लिए हम 65000 से एंड करते हैं अप के तरफ ऊपर के तरफ, और फिर यहाँ पे हम ऑफसेट का कमांड डालते हैं और एक रो आते हैं ब्लैंक के लिए, कॉमा डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन। तो क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ A65000 पे, यहाँ से एक्सेलस अप करेगा, और फिर ऑफसेट में हमने रो वन दिया है कॉमा कॉलम जीरो, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जीरो प्लस वन, मतलब कि आईडी जीरो है, प्लस वन वन कर देगा। ठीक है भुवन जी, समझ में आया आपको। लेकिन सीट हमने रेंज दिया है क्योंकि फिर जो एक्टिव शीट होगा उसी में वर्क करेगा, तो इसके आगे हमें यहाँ शीट्स का रेफरेंस देना होगा। भुवन जी, संग्राम जी, कामरान जी, समझ में आया कोड आपको ये? हेलो हेलो जी सर, भुवन जी आपको समझ में आया?
यस सर। और संग्राम जी आपको चलिए, तो अब बाकी कोड बिल्कुल सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अब इसमें जस्ट ये है, यहाँ पे जीरो के जगह पे वन हो जाए, वन के जगह पे जीरो और जीरो के जगह पे वन, मतलब कि ए यहाँ से ऊपर जाएगा तो कर्सर अब यहाँ रुकेगा, तो ऑफसेट को अगली कॉलम में जाने के लिए बोला, तो यहाँ पे इसलिए हमने रो जीरो एंड कॉलम वन किया। इसकी वैल्यू मैंने कर दी डेट, क्योंकि डेट चाहिए तो हमने कर दी डेट। तो आज की सिस्टम डेट ये डाल देगा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड लाइन जो है हमारा, थर्ड लाइन में हमने क्या किया कि यहाँ हम टू कर देते हैं, टू कि यहाँ से ऊपर गया 65,000 से ऊपर गया, और ये दो रो यहाँ आएगा और यहाँ पे डालेगा टाइम, और यहाँ पे टाइम के जगह पे डेट के जगह पे टाइम का डाल दिया। अब बात करते हैं नेम, बट अब यहाँ पे क्या करना है, नेम के लिए क्या करना है, यहाँ पे थर्ड देना है। और नेम कहाँ से उठेगा, फॉर्म शीट से उठेगा, तो फॉर्म शीट में कौन सा, B3। तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज B3 डॉट वैल्यू। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसके आगे तो सीट का रेफरेंस लगाया, बट इसके आगे सीट का रेफरेंस नहीं लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब इस माइक्रो को प्ले करेंगे बटन पे क्लिक करके, बटन कब क्लिक करेंगे, जब सीट पे जाएंगे। तो हमारा फॉर्म सीट तो एक्टिवेटेड है ना, जो फॉर्म ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो फिर क्यों इसके ऊपर हमें करें। हालांकि आप सीट का, इसके आगे सीट का रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया 4 और सीट यहाँ पे B7 हो जाएगा, और B7 के बाद यहाँ पे और यहाँ हम B12 और यहाँ पे 5। उसके बाद एक मैसेज भी चाहिए, MSG बॉक्स डेटा हैव सेव। अभी रन करने के लिए हमें बटन्स की जरूरत है, तो डेवलपर टैब में इंसर्ट के अंदर आपको ये बटन दिख रहा है, कमा बटन, इसको ड्रैग कीजिए। ड्रैग करते ही आपसे पूछेगा साइन मैक्रो, मैक्रो जो आपने यहाँ बनाया हुआ है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, और फिर यहाँ आप बटन पे रिनेम भी कर सकते हैं सेंड का। अब देखिए मैं इसको सेंड यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, जैसे कि पूजा, नेहा, नागपुर, नागपुर, और हमने यहाँ पे अमाउंट दे दिया। और हम रन सेट करने से पहले जो पहले से जो डेटा है उसको हटा देता हूँ। अब देखिए सबमिट पे क्लिक किया, मैसेज को ओके किया, डेटा हैव सेंड, और आप देखेंगे कि यहाँ आपके मैसेज डेटा जो है सेव हो गया। तो इस कोड में कोई दिक्कत है आप लोगों को, सर बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कमरान जी, सर ये जो यस आईडी सर, दिखे ना, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट जो पहले वाला, वो समझा दीजिए एक बार। कौन सा, ए वाली? देखिए हाँ राइट सर। क्या है ना कि हमें क्या है कि जैसे अब वन आया, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको रन करूँगा,
नेक्स्ट टाइम रन करूँगा, ऐसे मान लीजिए पूजा के जगह पे मोहन कर दिया मैंने, तो आप देखेंगे क्या होगा कि अब नंबर टू दिखा देगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे जो सेव करेगा और नंबर टू सेव करेगा। तो नंबर टू कैसे सेव किया इसने, तो नंबर टू सेव करने का रीज़न था कि इसने इसकी मैक्सिमम निकाली, जब वो नंबर टू नहीं था तो मैक्सिमम निकाला और मैक्सिमम वन आया, वन में प्लस वन कर दिया। तो एक्सेल में तो आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है बस एक इक्वल करके मैक्स फॉर्मूला लगा के और मैक्सिमम नंबर लगा लेंगे, सिंपल सा, राइट सर। बट मैक्स फॉर्मूला वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके उसको लाइब्रेरी से हमें कॉल करना होता है। तो हमें देना होता है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन मैक्स, और इसके अंदर जो हमने रेंज देना है वो भी वीवीए मेथड में देना है। हमें बोला सी डेटा रेंज ए बाई ए, इसका मैक्सिमम निकालने का। बट फॉर्मूला जब भी रन होता है तो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, उसको स्टोरेज पॉइंट तो चाहिए ना, तो उसका स्टोरेज पॉइंट ये रहा, हमने आईडी नाम दे दिया। जैसे कि मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड ए बी सी डी लेते हैं, ऐसे मैंने यहां पे एक आईडी दे दिया। अब क्लियर हुआ? हेलो जी सर, भुवन जी आपको कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये जो एंट्रीज जो करी है उसको वो ओवरराइट नहीं, मतलब जीरो नहीं करेगा, दोबारा ओवरराइट करके दोबारा टाइप करना पड़ेगा। हाँ, अब उसके लिए यहाँ पे मैसेज देना होगा, आप चाहते हैं क्लीन कर दे, ओवरराइट ना करना पड़े, तो उसके लिए हमें यहाँ देना होगा रेंज। अब देख लीजिए आपका रेंज मर्ज नहीं होना चाहिए, मर्ज होगा तो वन में वन करना पड़ेगा। बी थ्री बी सेवन एंड बी ट्वेल्व, सॉरी, क्लियर कंटेंट, ठीक है। अब मैं यहां पे उदय और अमाउंट 1000 कर देता हूं एंड सेव, यस हो गया। आप डेटा फॉर्म में जाइए, देखिए थर्ड आ गया, अमाउंट आ गया और ये क्लीन भी हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म फॉन्ट बताया। अब आप लोग क्या करें, इस फॉन्ट को रेफरेंस में लेते हुए इसकी एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, कोड का इसका, इसका जो लेते हुए आप क्या करें, मुझे एक अच्छा सा फॉर्म भी बनाए। जैसे गूगल फॉर्म वगैरह पे होता है ना, जैसे गूगल पे जाते हैं और जस्ट फॉर्म टाइप करते हैं ना, यहाँ पे मैंने फॉर्म टाइप किया और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिखेंगे आपको इमेज में। कोई एक अच्छा सा बढ़िया सा फॉर्म बनाइए और उस फॉर्म को इस कोड के जरिए एक शीट से दूसरे शीट में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है सर।